एवरीवन, मैं हूँ मौमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है सैटरडे की सुबह और आज सुबह सुबह मैं किचन में आई हूँ क्योंकि आज ना कुछ स्पेशल सा ब्रेकफास्ट बनानी है। आज मेरे हस्बैंड का भी छुट्टी है, व्यान का भी छुट्टी है, तो इसी अच्छे मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज मैं बहुत ही एक डिलीशियस बंगाली ब्रेकफास्ट मैं बनाने वाली हूँ। तो ये है बादामी आलू, मीन्स राजमा आलू भी आप बोल सकते हो, राजमा की तरह दिखने में है। तो ये आलू मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, तो ये आलू मैंने शेखत से मंगवाई है क्योंकि ये आलू जो है ना, ये विंटर के टाइम ही आपको मिलता है बाज़ार में और मेरी बहुत पसंद की है ये आलू। आज इस आलू का मैं दम बनाऊँगी और इसके साथ क्या बनेगा वो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, दो सीटी मारूंगी मैं उसको। और ना इस कटोरी में मैंने कुछ स्प्राउट्स बनाने के लिए रखे थे, तो जी हाँ, ये स्प्राउट्स अभी बन के बिल्कुल तैयार है। तो दो दिन पहले मैंने रख दिया था इसको ऐसे ही, तो ये अभी स्प्राउट्स बन चुके हैं। तो स्प्राउट्स बनाने का प्रोसेस मैंने पहले भी दिखाया है, कभी फिर शेयर भी करूँगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये है होल मूंग स्प्राउट्स बन के तैयार हो गई है। तो आज मुझे स्प्राउट्स से कुछ भी नहीं बनानी है, तो मैं क्या करूँगी इस स्प्राउट्स को ना एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके मैं फ्रिज में रख देने वाली हूँ, एंड जब भी मुझे इसको चाहिए ना तब मैं निकाल के यूज़ कर सकती हूँ खाने के लिए। तो स्प्राउट्स वगैरह मैं ना ऐसे ही कुछ स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, एंड जब भी ज़रूरत पड़ता है मैं निकाल के बना लेती हूँ। और शेखत ने मेरे लिए ग्रीन जूस भी बना के रख दिया है, तो अभी मैं ग्रीन जूस पीऊँगी। और यहाँ पे ना प्रेशर कुकर में दो सीटी भी आ गया है, तो इसको मैं बंद करती हूँ, पहले ये जूस मैं पी लेती हूँ, उसके बाद सुकून के साथ बाकी का ब्रेकफास्ट जो है ना वो बनाते हैं। बॉयल तो हो गया है लेकिन आलू पील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बाप बेटा आज दोनों को बिठा दिया है कि आज तुम्हारा छुट्टी है तो ये काम मेरा कर दो, क्योंकि मुझे आगे का और भी ज़्यादा खाना बनानी है। और विहान ने भी यहाँ पे पूरा साथ दिया है अपने पापा को, फास्ट टू लास्ट उसने पापा के साथ आलू जो है ना इसका छिलका निकाला है। तो बस दोनों यहाँ पे आलू का छिलका निकाल रहे हैं, तो मेरा ये वाला काम तो शॉर्ट है। और मैं अभी दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। मेरे पास है काफ़ी सारे मटर और मटर की सीज़न जस्ट जाने ही वाला है ना, और मैंने इस साल मटर की कचौड़ी यानी कि कढ़ाई की कचौड़ी जो कि एक स्पेशल बंगाली ब्रेकफास्ट है वो मैंने इस बार बनाया ही नहीं, क्योंकि इतना हेवी ब्रेकफास्ट मैं नहीं बनाती हूँ। तो लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सीज़न जाने वाला है, अगर अभी मैं नहीं बनाऊँ ना तो शायद खाते खाते नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। और तो यहाँ पे मैं पहले मटर को पीस रही हूँ, थोड़ा सा मिर्ची एंड अदरक डाल के। और यहाँ पे देखिए बहुत ही एक स्मूथ सा बैटर मैंने बना लिया है इसका, और अभी इसको हमें भूनना है। तो ये सारा काम जो है ना वो थोड़ा सा तामझाम लगता है इसमें, लेकिन हाँ आज टाइम था मेरे हाथों में और खाने का भी मन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही बना लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला पैन में और फिर हींग डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हींग डाला यहाँ पे। और ना आप चाहे तो यहाँ पे ना जो सौंफ है ना वो भी ऐड कर सकते हो, सौंफ का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने नहीं डाला है सौंफ। और फिर मैंने जो मटर की पेस्ट है ना वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा चीनी मास्ट है यहाँ पे ज़रूर से डालना। और फिर जो ये मटर की पेस्ट है ना इसको आपको यहाँ पे भूनते जाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए, इसको हमें स्टफ़ करना है पूरियों के अंदर, तो इसलिए इसको ड्राई करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में, तो यहाँ पे देखिए ये भून गया है और कढ़ाई जो है ना वो छोड़ने लगा है, तो इस टाइम पर ये रेडी है। तो इसको मैं साइड में रखूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर देखिए दोनों मेरे सारे जो आलू है ना वो छील के दिया है, तो देखिए ये आलू मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं पूरियों के लिए जो डो है ना वो मैं बनाऊंगी, आप ना मैदे के साथ बना सकते हो, बट मैदा मैं घर में रखती ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आटे के साथ मैं बनाऊंगी कचौड़ी। और ट्रस्ट मी अच्छा लगता है खाने में आटे के साथ भी। तो आटे में मैंने जस्ट नमक मिलाया है और थोड़ा सा ऑयल मैं डालूंगी, यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही ऑयल डाला बस, अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो जो है ना वो मैं प्रिपेयर करूंगी यहाँ पे। बस
डो बन गया है, तो अभी मैं ना दम आलू बनाने के लिए यहाँ पे चढ़ा रही हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में डाला है क्योंकि स्पेशल खाना बन रहा है ना, इसलिए ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक सूखे लाल मिर्च तोड़ के, और एक बे लीफ मैंने डाला है, और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी यह है पंचफोरन। आपके पास अगर पंचफोरन ना हो ना तो आप जीरा भी यूज़ कर सकते हो, तो जीरा से अलग फ्लेवर आता है, पंचफोरन से अलग फ्लेवर आता है। मुझे आज पंचफोरन डालने का मन किया बहुत ज़्यादा, तो पंचफोरन मैंने डाल दिया, और जलाना नहीं है मसाले को, हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद मैंने आलू को डाल दिया, और यहाँ पे ना आलू को आपको लाल करके फ्राई करना है। तो आलू जब तक फ्राई हो रहा है तब तक चलिए मसाले बना लेते हैं। तो दो टमाटर मैंने लिया है, और थोड़ा सा अदरक, और एक हरी मिर्ची ले रही हूँ क्योंकि विहान खाएगा इसलिए ज़्यादा तीखा मैं नहीं कर सकती, आप चाहे तो ज़्यादा तीखा कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये इसका मैंने पेस्ट बना लिया, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अभी मसाले को, बहुत ही अच्छे से भून लेना है। और साथ में मैं थोड़ा सा ड्राई मसाला भी ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हो, बट मैं रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें ना बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगी। अभी इस मसाले को बहुत ही अच्छे से आपको भूनना है। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा चीनी यहाँ पे डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्योर वेज खाने में अगर आप थोड़ा सा चीनी डालते हो ना तो स्वाद उसका डबल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मसाले मैंने अच्छे से भून लिया है, मसाले ने ऑयल सेपरेट कर दिया है, तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, उसको थोड़ी देर बॉयल होने के लिए रखेंगे। एंड साइड में मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है क्योंकि हमें अभी कचौड़ी तलने का काम जो है ना वो करनी है। तो पहले मैंने ये जो स्टफिंग है ना मटर की, तो वो उसका छोटा छोटा मैं ऐसे राउंड शेप का कर रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो इसका जो स्टफिंग है ना वो करने में। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लोई छोटा सा, तो इसको ना जैसे आप लोग स्टफ पराठा बनाते हो बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा कटोरी शेप दे देना है हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए। जब ये कटोरी शेप में बन जाएगा तब इसके अंदर एक ऐसे मटर की जो स्टफिंग है ना वो इसमें डाल दिया, और फिर हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए इसका जो मुंह है ना वो बिल्कुल सील कर देंगे। और बस ये देखिए मटर की कचौड़ी का जो लोई है ना वो स्टफ्ड लोई बिल्कुल रेडी है। तो एक मैं और स्पीड में दिखा देती हूँ आपको। अभी मैं ये स्टफ्ड लोई को थोड़ा सा ऑयल के मदद से बेलने वाली हूँ, और बेलना हमें हल्का सा मोटा साइड में बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना ये नहीं फूलेगा। यहाँ पे देखिए हमारी दम आलू भी बिल्कुल रेडी है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर दे दिया, और एंड पे मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ घी। गरम मसाला और घी के साथ बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, और इतना ग्रेवी मुझे चाहिए। Thank you.
कि आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट कड़ाईशूटी कचौड़ी यानी कि मटर की कचौड़ी विद दम आलू बहुत टेस्टी बना था गाइस, और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना उससे भी कई ज़्यादा टेस्टी ये बना था। सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया और वियान को मैं एक बार खिला चुकी हूँ। वियान फिर से हमारे साथ बैठ गया खाने के लिए क्योंकि उसको इतना पसंद आया है। जनरली वो पूरी से ज़्यादा ना पराठा ये सब ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन आज तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। का हेयर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका था तो इसलिए उसको हेयर कट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी उसके पापा उसको लेके जा रहे हैं, हमारे घर के बिल्कुल पास ही है एक सलोन, तो वहाँ पे उसको हेयर कट दिलाने के लिए। करने के बाद हमने नहा धो लिया है, उसके बाद हम लोग अभी बाहर निकले हैं घूमने के लिए। नहीं, शेखत को थोड़ा सा काम था, किसी के साथ मिलना था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम भी चलते हैं, घर में बैठ के क्या करेंगे। तो मुझे ना आज आईब्रो भी बनानी थी, मेरी आईब्रो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया था, तो मैं शेखत के साथ जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आईब्रो कर लिया, शेखत अपने काम से चले गए हैं मुझे और बयान को यहाँ पर ड्रॉप करके। तो देखिए आईब्रो मेरी आज काफ़ी अच्छी बनी है, मुझे तो बहुत पसंद आया है और बयान ने साथ दिया है मेरी। तो थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने सोचा कि ये टाइम पास करने के लिए मैं वियान को लेके एक शॉपिंग मॉल चली जाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहे थे, कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी ना ही कहीं जाना था, जस्ट अब ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे दोनों मिलके। बजे है 3:10 और हम लोग आ गए हैं घर, और मैंने आज अपना आईब्रो भी करा लिया है। और पता है हम लोग ना लंच करके नहीं गए थे क्योंकि भूख नहीं लगी थी, सुबह का खाना जो है ना वो हेवी हो गया था, और फिर से मैंने ब्रेड बनाया, फिर से उलट पुलट हो गया सब कुछ। क्या करूँ यार, ब्रेड ढंग से मेरा बनता ही नहीं है। ओके तो अभी हम लोग करेंगे लंच, तो मैं दिखा देती हूँ कि आज लंच में क्या बना है। शाही पनीर बना दिया। ओके तो यहाँ पे है चावल क्योंकि हम लोग दोपहर को चावल ही खाते हैं, और ये है मेथी साग, वो बना है गैस ओवन एज इट इज पड़ा है, तो इसको बाद में क्लीन करनी होगी। और ये बना है शाही पनीर जो मेरे हस्बैंड ने बनाया है। वहाँ पे है दम आलू जो मैंने सुबह को बनाया था, तो ये भी ना थोड़ा सा बचा हुआ है। वो मैं अभी चेंज करती हूँ, उसके बाद हम लोग खाते है खाना। खाना खा के दोनों अच्छे नींद में सो रहे हैं और मैं नहीं सो रही हूँ क्योंकि मुझे आज मेरी साड़ी की एक शूट करनी है जिसमें मुझे मॉडल बननी है। तो ये वाला साड़ी मैंने चूज़ किया है, तो ये वाला साड़ी मैं थोड़ी देर बाद ढंग से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसकी मैचिंग ना मेरे पास पेटीकोट नहीं था, तो यही वाला पेटीकोट मुझे मैच करके पहनना होगा, एंड ब्लाउज़ भी यही वाला ब्लाउज़, एक लौता ब्लाउज है जो इसके साथ जाएगा। तो थोड़ा सा मेकअप मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि इतना अच्छा हेवी एक साड़ी पहनूंगी, अगर बिना मेकअप के मैं शूट करती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्का पुल्का मैंने मेकअप किया, हल्का पुल्का नहीं सब कुछ ही लगाया, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट,
थोड़ा सा आई शेडो, फिर मतलब आई मेकअप भी किया, फेस मेकअप भी किया, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ही मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए साड़ी मैंने पहन लिया है, तो मुझे ना इसके साथ कोई भी हेवी नेक पीस नहीं मुझे पहननी थी, तो इसलिए मैंने एक हेवी इयररिंग्स मैंने यहाँ पे डाल लिया है। और फिर इसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, तो लिपस्टिक पहले मैंने ये वाला लगाया, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ओवर लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ना न्यूट्रल करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक दो शेड लगा दिया है, तो कुछ ऐसे ही मतलब एक न्यूडिश ब्राउन शेड कुछ बन गया है मेरी पसंद की। फिर ये वाला चूड़ियाँ जो है ना, ये वाला चूड़ी इस साड़ी के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा था, तो ये वाला चूड़ी मैंने वेयर कर लिया है। तो हो गई हूँ रेडी और अभी जा रही हूँ नीचे, क्योंकि हम लोग जो शूट है ना वो नीचे ही करते हैं, तो बियान अभी सो रहा है और आज मेरा शूट करेगा शेखर। लास्ट टाइम टिया सजी थी मॉडल और मैंने उसका शूट किया था, तो आज हस्बैंड के ऊपर जिम्मा दिया है कि चलो चलिए नीचे चलते हैं। आ गए जी हमारे कैमरा मैन, आ गए, चलो इसको लगा दो और हम लोग मोबाइल से शूट करेंगे। अभी मेरी साड़ी मैं रेडी हूँ, तो अभी चलिए फटाफट फोटो शूट करते हैं। और वेदर तो पहले अच्छा था, लेकिन जब मैं रेडी होने गई ना तभी सारा क्लाउड्स आके पूरा कैसे कैसा वेदर हो गया, मतलब सूरज ढल गया है। अभी बजे है आई थिंक 4:15 ना, 4:15 बजे है, लेकिन अभी ऐसा हो गया। चलिए हमारा शूट, अभी पैकअप, अभी जा रहे हैं ऊपर ऊपर। और साड़ी जो है ना, साड़ी बहुत खूबसूरत है, साड़ी का कलर आप देख सकते हो बिल्कुल यूनिक सा कलर है, जनरली ये कलर जो है ना वो दिखाई नहीं देता है। और ये जो पूरा काम है ना पूरे साड़ी में, बॉर्डर में, पूरे साड़ी में ही आपको ऐसा काम मिलेगा। और ये जो साड़ी है ना ये हैंडवर्क है। हैंडवर्क कैसे पता चलता है कि पीछे का धागा देख के आपको पता चलता है कि ये जो स्कैलप करके जो बॉर्डर जा रहा है ना ये पूरा हैंडवर्क का काम है। और पूरे साड़ी में बीच बीच में ऐसे ना लाइन करके सीक्वेंस वाले वर्क है। एंड ये जो गोल्डन वाला वर्क है ना ये है कटदाना, तो कटदाना एंड सीक्वेंस का ऐसा वाला वर्क है, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बॉर्डर इसका बहुत प्रीटी है। और इसी टाइप में मतलब इसी वाले फैब्रिक में एक दूसरा कलर में, दूसरा मतलब थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट डिजाइन मैंने दिखाया है, वो ऑलरेडी मेरे पेज में है। एंड उसके साथ इसका प्राइस में भी अंतर है, तो इसका प्राइस अलग है, उसका प्राइस अलग है। वो आ गया था ऑलरेडी मेरे पेज में, बहुत लोगों ने उसका कलर पूछा है, तो उसका कलर ये है लेकिन डिजाइन भी अलग है। मैंने सोचा था कि एक और साड़ी शूट जो है ना वो आज होगी, लेकिन आज का मौसम कुछ ऐसा हो गया है अचानक से कि अभी शूट नहीं कर सकते, तो मुश्किल हो जाता है अकेले सब कुछ करना यार। जैसे अभी शेखत था, शेखत को मैंने समझा दिया है कि कैसे कैमरा पकड़नी है, कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं रील्स भी बनाती हूँ पेज के लिए और फोटोज भी लेती हूँ। अभी अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि कैमरा प्लेस करके मनपसंद जो क्लिप्स है ना वो नहीं आता है कैमरा प्लेस करके, तो इसलिए वो रहता है, तो अच्छा होता है कि वो दिख के शूट कर देता है। तो देखती हूँ मैं, आज तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अभी लाइट जा रहा है, तो आज नहीं करेंगे। अभी जाएंगे ऊपर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन, सैटरडे वाला दिन। अगर पसंद आया है वीडियो देन प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय मेरी जुड़िया, बाय बाय।